मेरी प्यारी जॉन ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। ये 10 लाख अब भी मेरे घर में कैश पड़ा हुआ है। मेरे कैंसर के केबिन में जाकर ये कोटेशन देवरी जॉन के हवाले किया, जिसे कि मिसेस देवरी जॉन ने यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। मिस सनम, क्या इस बात को आप मानती है जो कुछ ये टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है ये बात सच है? जी हाँ। मिस सनम, इस काम में आपके साथ और कौन कौन शामिल है? जी कोई भी नहीं। मिस देवयानी चौहान, आपको इस बारे में कुछ कहना है? अगर किसी का स्टेटमेंट हमें गलत साबित करने के लिए काफी है तो मैं समझती हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मिस सनम ने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है? हो सकता है। हो सकता है कि क्या मतलब? मिस्टर करण धनराज, आपके ऑफिस स्टाफ में से किसी एक ने मेरे कोटेशंस चुरा कर किसी और के हाथों बेच दिया। इतनी बड़ी साजिश, इसके लिए आपकी कंपनी जिम्मेदार है मिस्टर करण धनराज, आपकी कंपनी। एनीवे, हमारी कंपनी के स्टाफ ने जो गलती की है उसके लिए मैं सबसे माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी। सनम ने अपनी गलती कबूल कर ली इसलिए पुलिस केस नहीं होगा, बट सनम यू आर डिसमिस्ड, यू मे लीव। बट मिस्टर करण, इस इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा जिसे देवयानी चौहान ने धोखे से हासिल किया है? लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैं मिस देवयानी चौहान के स्टेटमेंट से एग्री करता हूं। सिर्फ सनम के कह देने से हम मिस देवयानी चौहान पर उंगली नहीं उठा सकते। By the way, controversy is controversy, and we don't want to get into any controversy. इसलिए मिस देवयानी चौहान को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे नन एंड वॉइड का करार दिया जाता है, और मिस इंडिया 2005 इवेंट के स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट मिस संजना गुजराल को दिया जाता है। थैंक यू मिस्टर करण, थैंक यू। कमेंट्स। एक मिनट मिस देवयानी चौहान, क्यों ये ऑफिस तुम्हें याद है मिस देवयानी चौहान? यहीं पर तुमने चालबाजी से मुझे मात दी थी। अब तुम कहां जाओगी? अब तुम्हारी कहानी इस शहर से खत्म हो गई। देवयानी चौहान की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक कहानी अगर खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। कहानियां तो उनकी खत्म होती है जिनके पास कुछ खोने को हो। क्या लाई थी मैं इस शहर में? कुछ नहीं। तो अब आप यहां से बहुत कुछ लेकर जाएगी? जी हाँ, संजना गुजराल की शिकस्त की चोट जो तुम्हें उम्र भर टीस पहुंचाती रहेगी। नादान हो तुम, एक मामूली सी जीत पर खुश हो गई? तुम मुझे चोट क्या पहुंचाओगी? नॉट एट ऑल, क्योंकि मुझे दर्द सहने की आदत है। फिर तो अच्छा है, तुम्हें कम तकलीफ होगी। क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया है, अब धीरे धीरे मैं तुम्हारे करीब आऊंगी
और तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। संजना, तुम्हें फिर से अपने बारे में गलतफहमी हो गई है। तुम भूल गई, जब मैं शहर में आई थी तो मैंने तुम्हें 500 करोड़ का झटका दिया था, और उस 500 करोड़ से मैंने संध्या एडवर्टाइजिंग को क्वींस इंटरनेशनल के बराबर खड़ा कर दिया। तुमने बेशक मुझे मिस इंडिया स्पॉन्सरशिप की रेस से पीछे कर दिया, लेकिन बिजनेस की रेस में नहीं। इसलिए बाजी अभी पूरी तरह से तुम्हारे हिस्से आई कहां है? तुम्हें अपनी बेशर्मी पर शर्म हो या ना हो, लेकिन मार्केट में जैसे ही ये खबर फैलेगी कि तुमने किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहा, बिजनेस मार्केट में तुम्हारा नाम खत्म हो गया। संजना, टेक माय एडवाइस, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, क्योंकि आज के बाद बिजनेस मार्केट में लोगों का भरोसा मुझ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के बाद लोगों को यह पता चल जाएगा कि देवयानी चौहान का मकसद सिर्फ बिजनेस में कामयाबी है, और उस कामयाबी को कैसे हासिल किया जाता है ये देवयानी चौहान अच्छी तरह जानती है। ऑलराइट, इसलिए ना तो देवयानी चौहान की कहानी खत्म हुई है और ना ही हमारा खेल। अभी तो वैसे भी बहुत कुछ बाकी है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पापा, 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 आप कहाँ हैं पापा? मैं यहाँ हूँ बेटा। ओह पापा, पापा। मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है आज, क्या बात है? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप बताएंगे कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? ओके, तो हमारी बेटी हमारा इम्तिहान लेना चाहती है, नो प्रॉब्लम। भाई बाप हूँ तुम्हारा, और अगर बाप अपने बच्चों की खुशी और दुख का कारण नहीं जान सके तो उसे बाप कहलाने का कोई अधिकार नहीं। लेट मी गेस, भाई जब तुम्हारी खुशी में कोई जीत शामिल होती है तो मेरे बेटे के होंठ नहीं आंखें मुस्कुराती हैं। और आज मुझे मेरी बेटी की आंखें बता रही हैं कि उसे एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। Am I right? Right, पापा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक ऐसी जीत हासिल की है जो ना सिर्फ मैंने किसी को हराया है बल्कि पूरी तरह से बर्बाद किया है। जो सर संजना गुजराल के सामने उठने की जुर्रत करता था, आज मैंने उसे पूरी दुनिया के सामने झुका दिया है। तुम किसकी बात कर रही हो? देवयानी चौहान। देवयानी चौहान? हाँ पापा, देवयानी चौहान, जिसने मुझे संजना गुजराल को चैलेंज किया था, आज मैंने उसे फैशन वर्ल्ड से आउट कर दिया। लेकिन हुआ क्या? पापा, मैंने मिस इंडिया 2005 के स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा हासिल किया, जो देवयानी चौहान ने चीटिंग करके मुझसे छीन लिया था। उसने मेरे टेंडर्स चुराकर सिर्फ 1 रुपए की बढ़ोतरी करके उसे हासिल किया था, और आज मैंने पूरी मार्केट के सामने उसे एक्सपोज कर दिया। जो लोग देवयानी चौहान की कंपनी में पैसे लगाना चाहते थे, अब वही लोग अपने पैसे दोबारा वापस लेना चाहेंगे। मैंने उसे सड़क पर ला दिया पापा, मैंने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वो हार गई, पूरी तरह से मैंने उसे हरा दिया। है ना पापा, मैंने उसे पूरी तरह से हरा दिया। पापा, मैंने देवयानी चौहान को हरा दिया। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ पापा, बहुत खुश। पापा चले गए।
आज पहली बार पापा मेरी खुशी में शरीफ नहीं हुए। पापा को मेरी जीत पसंद नहीं आई या देवयानी चौहान की हार? Controversy is controversy. And we don't want to get into any controversy. इसलिए मिस देवयानी चौहान को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे नल एंड वॉइड का करार दिया जाता है। और मिस इंडिया 2005 इवेंट के स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट मिस संजना गुजराल को दिया जाता है। अब तुम्हारी कहानी इस शहर से खत्म हो गई। आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएगी। संजना गुजराल की शिकस्त की चोट जो तुम्हें उम्र भर टीस पहुंचाती रहेगी। दिव्यानी चौहान हार नहीं सकती। मैं नहीं हार सकती, कभी नहीं, क्योंकि दिव्यानी चौहान ने सिर्फ जीतना सिखाया, जीतना। हार मेरे हाथ की रेखाओं में नहीं है। संजना गुजराल, तुम नहीं जानती, जिनके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बाजी पलट जाने से ना तो तुम जीत गई और ना मैं हार गई, क्योंकि देवयानी चौहान जब तक अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी तुम्हें जीत का दर्जा नहीं मिलेगा। और देवयानी चौहान अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी, कभी नहीं। तुम हार गई देवयानी, हार गई। तुम जिस जीत का झूठा दावा कर रही हो वो दरअसल तुम्हारा अहंकार है, हकीकत नहीं। देवयानी, पहले मिस्टर कमलकांत गुजराल ने तुम्हारी माँ को बर्बाद कर दिया और अब उसकी बेटी संजना गुजराल तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ गई। नहीं, मैं बर्बाद नहीं हुई, बर्बाद तो होगा गुजराल खानदान। मैं एक एक करके दोनों बाप बेटी को सड़क पर ले आऊंगी, सड़क पर। फिर वही अहंकार देवयानी, दरअसल तुम खत्म हो चुकी हो। सड़क पर आ गई, सड़क पर आ गई, सड़क पर। संजना गुजराल ने मुझे चोट पहुंचाई है। हे साईं बाबा, जब जब मुझे महसूस हुआ कि मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया, तब तब उन कमियों को तुमने पूरी की है। एक कमी रह गई थी मेरी जिंदगी में जो आज पूरी होने जा रही है। एक बार संजना गुजराल ने
मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश में मुझसे मेरी भैया की जिंदगी छीन ली और फिर आज एक बार वही कोशिश फिर दोहराई। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मेरे भैया मिल गए हों। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अगर जानती थी तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं लौट के क्यों आया। हाँ जानती हूँ। कुछ नहीं जानती तुम। मैं एक किलर हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर। कुछ ही रुपयों के लिए मैं लोगों का कत्ल करता हूँ। ऐसे आदमी को क्या तुम अपने भाई का ओहदा देना चाहोगे? ओहदा नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। वो भाई जिसे हालात ने तो मुझसे छीन लिया, लेकिन उसी हालात ने मुझे तुम्हें वापस लौटा दिया। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें किलर कैसे मान लूं? चलो 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 देखते हैं। ओए छाड़ा भाई। भैया भाई यही है वो सियाना। भाई ये सियाना फिर अपुन की बस्ती में आ गया है। बोले तो टप्पा डालूंगा साले बेदरिच। ये तो बिल्कुल राजीव भाई की तरह दिखता है। वही शक्ल, वही सूरत। ए लुका, चुप कर। ये शाना इधर का एक आया सुहानी। राजा तुम बीच में मत पड़ना, वो मुझसे बातें करने आया है। राजा राजा यहाँ भीड़ कैसी? सुहानी तू ठीक तो है बेटा? हाँ फिर से आ गया। माँ माँ वो मुझे मानने नहीं आया। माँ वो मुझसे बातें करने आए थे। माँ देखो देखो उसके हाथों में हथियार भी तो नहीं है। माँ जो भी है सुहानी तू यहाँ से क्यों नहीं चला जाता? तू हमारी जिंदगी से क्यों नहीं चला जाता? चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। तू हमें अकेला छोड़ दे। चला जा ना यहाँ से, चला जा। रुक जाओ भैया, भैया रुक जाओ। भैया भैया तुम्हें अपनी बहन का वास्ता है। भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। भैया वो तेरा भाई नहीं है सुहानी, वो नहीं आएगा। चल बेटा घर चल। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, वो भाई जिसे हालात ने तो मुझसे छीन लिया, लेकिन उसी हालात ने मुझे तुम्हें वापस लौटा दिया। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें किलर कैसे मानूं? माँ वो मुझे मानने नहीं आया। माँ वो मुझसे बातें करने आए थे। माँ देखो देखो उसके हाथों में हथियार भी तो नहीं है। माँ यहाँ से क्यों नहीं चला जाया था? तू हमारी जिंदगी से क्यों नहीं चला जाता? चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। तू हमें अकेला छोड़ दे। चला जा ना यहाँ से, चला जा। मुझे इस शहर को छोड़ के जाना होगा। यहाँ मेरा कोई मकसद नहीं। Share, like and subscribe our DigiTube.